देश भर में कैब को लेकर एक आंदोलन सा छिड़ा है कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं आखिर कैब है क्या जिसको आज हमारे साथ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर डॉक्टर पारासर नारायण शर्मा उन्हीं से जानते हैं पारासर जी क्या है ये कैब देखिए कैब सिटीजनशिप के लिए है ये जो लाया गया बिल अब तो सी डबल ए हो चुका है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है ये सिटीजनशिप एक्ट पहले से अपना विद्यमान है इंडिया में वो सिटीजन कौन हो सकता है भारत का सारे उसमें अपने संविधान सम्मत प्रावधान दिए हुए हैं इसमें अभी जो ये अमेंडमेंट लाया गया है ये जो माइग्रेंट्स से बाहर से जो आ रहे हैं अपने यहाँ जो शरणार्थी के रूप में आ रहे हैं उनके लिए लाया गया है और बहुत सोच समझ करके लाया गया है तो किन को उन जो शरणार्थी उनमें से किन को अपने नागरिकता दी जाए और किन को नहीं दी जाए इसके ऊपर ये अमेंडमेंट लाया गया है पहले तो ये था जो भी शरणार्थी हैं आज़ाव साहब अंधेरगढ़ जी थी जो भी आ रहा शरणार्थी उनको देनी पड़ेगी मानवता के आधार पर एक ग्राउंड होता मानवता उसके आधार पर आप दो लेकिन बहुत इम्बेलेंस होता जा रहा था बड़े अन्याय अत्याचार भी हो रहे थे ये तो उसको देखते हुए इस सरकार के एजेंडे में भी था इन्होंने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि हम इसका अमेंडमेंट करेंगे नागरिकता जो संशोधन बिल लेके आएंगे मैंडेट भी लेकर के आए उसके आधार पर ही ये नागरिकता संशोधन बिल लेकर आए उसका एक्ट भी हो गया संसद से पारित हो गया ये पूरा सी डबल ए हो चुका है अभी ये एक्ट बन चुका है और नागरिकता शरणार्थियों में से किनको दी जाए और किन को नहीं दी जाए इसका ये संशोधन लेकर के आए हैं और इसी का ये बवाल मसला है जो इन्होंने ये धर्म के आधार पर इन्होंने कहा कि साहब मुस्लिमों को छोड़ करके बाकियों को नागरिकता दे दी जाएगी यहाँ दो शरणार्थी आएंगे तो उसका आधार इन्होंने संवैधानिक रूप से लिया है मैंने आपने भी सुनी होगी मैंने गृह मंत्री जी की स्पीच सुनी थी संसद में जो बोले थे वो बड़े संवैधानिक रूप से तथ्यात्मक रूप से उन्होंने दिया था समझ में आई मेरे भी कन्फ्यूजन था कि ऐसे कैसे दे देंगे भाई ये किसी को देंगे किसी को नहीं देंगे लेकिन उन्होंने जो तो रास्ता निकाला है वो सोच समझ के निकाला है उन्होंने ही कहा है और वो सही भी है जो हम समझते हैं वो ये कहा है कि सर हमने जो पाकिस्तान है बांग्लादेश है ये जो तीन राष्ट्र हैं अफगानिस्तान है, है जिनसे हमारे शरणार्थी आ रहे हैं इनके संविधान का अध्ययन किया है उनके संविधान के हिसाब से ये तीनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं तो मुस्लिम राष्ट्र जब हैं तो वह मुस्लिम तो अल्पसंख्यक है नहीं गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं क्योंकि तो एक एक समस्या जो अधिकांश जो आती है जैसे राजस्थान के जो अधिकांश जो पाकिस्तान से जब विलय हुआ था तब उस टाइम चले गए थे वो लोग अपने एक टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ आते हैं लेकिन यहाँ आके फिर अपना एक विरोध सा दर्ज कराते हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना ये फ़ायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो राजस्थान से जुड़े हुए थे लेकिन पाकिस्तान में रह रहे हैं हाँ हाँ राजस्थान से मिलेगा जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनमें तो विशेषकर प्रभाव पड़ेगा इसका ये तो अंदर के स्टेट्स में तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा बॉर्डर के स्टेट में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा राजस्थान उनमें से एक है इनमें से मुख्य मुद्दा ये है कि जी इन्होंने ये कहा कि उन देशों में जहाँ से शरणार्थी आ रहे हैं उनमें मुस्लिम धर्म धर्म के आधार पर वो हैं कंट्रीज हैं वो तो गैर मुस्लिम सारे वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं अल्पसंख्यक जो वो प्रताड़ित हो रहे हैं और प्रताड़ना सहन नहीं कर पा रहे जो सहन नहीं कर पा रहे कुछ तो कन्वर्ट हो जाते हैं वहाँ मुस्लिम बन जाते हैं और जो अपने धर्म पर अडिग रहना चाहते हैं वो देश छोड़ के भाग जाते हैं तो धर्म के नाम पर जो तो प्रताड़ित होकर के यहाँ आ रहे हैं अल्पसंख्यक लोग उन देशों के कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं उनको यहाँ हम शरणार्थी के रूप में एक्सेप्ट करेंगे और मुस्लिम क्योंकि वह अल्पसंख्यक नहीं है इसलिए हम उनका वो स्वीकार नहीं करेंगे दूसरा उन्होंने आधार ये दिया है कि आर्टिकल चौदह इसमें बाधक बन सकता है कि भाई धर्म के आधार पर आप भेद कैसे कर सकते हैं तो उसका उन्होंने आधार ये दिया है कि आर्टिकल चौदह जो है क्लास में वर्गीकरण की छूट देता है ये सही है वर्ग में वर्गीकरण की छूट देता है जिससे आप किसी एक जाति को लाभ नहीं दे सकते जातियों के समूह को लाभ दे सकते हो जाति जातिगत आधार पर आरक्षण चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया सब जातिगत समूह को दे सकते हो आप वर्ग बनाकर एक जाति एक जाति को आप आरक्षण नहीं दे सकते तो वही कंसेप्ट इन्होंने यहाँ अप्लाई किया है कि साहब हमने किसी एक धर्म को लाभ नहीं दिया है हमने अल्पसंख्यकों को लाभ दिया है पहली बात ये ये एक वर्ग हो गया अल्पसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक में जो भी उस देश में अल्पसंख्यक है उन सबको दिया है सिखों को भी दिया है पारसी को भी दिया है ईसाई को भी दिया है हिंदू को भी दिया है जितने भी धर्म अल्पसंख्यक हैं उनका कोई भी शरणार्थी अगर इंडिया में आता है तो उसको दिए जा रही है अगर इसको शुद्ध भाषा में समझें तो भारत को लेकर अगर इस पर बात करें तो भारत में जो अल्पसंख्यक है अगर किसी दूसरे देश में ये बिल बनता कि भारत के जो अल्पसंख्यक हैं उनको हम फायदा देंगे हाँ हाँ ये ऐसा कह सकते हैं अगर जैसे भारत से कोई मुस्लिम प्रताड़ित होकर बाहर जाए तो दूसरे देश ये कानून ला सकते हैं कि साहब भारत के जो अल्पसंख्यक हमारे यहाँ आ रहे हैं तो उनको हम यहाँ नागरिकता देंगे तो वो मुस्लिम अकेले को नहीं मुस्लिम है सिख हैं मतलब भारत के जो भी अल्पसंख्यक हैं जैन भी अल्पसंख्यक हैं अब तो यहाँ पे अपने बौद्ध भी अल्पसंख्यक हैं अपने यहाँ तो जितने भी भारत के अल्पसंख्यक हैं अगर बाहर से प्रताड़ित होकर बाहर जाएंगे तो बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान ऐसे कानून ला सकता है कि जी हम उनको एक्सेप्ट करेंगे और अपनी नागरिकता देंगे ऐसा कानून वो ला सकते हैं और मेरे विचार से संविधान सम्मत है ये क्योंकि जो इन्होंने ग्राउंड्स दिए हैं ये समझ में आने वाले हैं संविधान सम्मत है और इन ग्राउंड्स पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट कैसे से फैसले आ चुके हैं और वो ये स्टैंड करेगा सुप्रीम कोर्ट में तो इन्होंने सही दिया अब अब तो ये तो संसद में भी पारित हो गया फिर विरोध क्या केवल अपने आप को चमकाने के लिए हम विपक्ष में इसलिए विरोध करेंगे देखिए विरोध तो विपक्षी जो दल हैं उनकी मजबूरियाएं हैं साहब विपक्षी दल अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे मुस्लिमों को बहुत ही पिछड़ा रखा वंचित रखा इन्होंने और वोट बैंक बना के रखा अब फिर इनसे मुस्लिम खिसकते नज़र आ रहे हैं तो मुस्लिम लोगों को फिर ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं मुस्लिम पिछले चुनाव में काफ़ी कुछ खिसके थे बीजेपी की तरफ डाइवर्ट भी हुए थे दूसरी पार्टी तरफ डाइवर्ट हुए थे तो ये पार्टियां मुस्लिम वोटों की लड़ाइयाँ लड़ रही हैं तो उसके लिए ये मतलब बरगला करके गुमराह करके ऐसा कुछ कर रही हैं और अब मुस्लिम में भी बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है पढ़े लिखे लोग आने लग गए हैं और समझने लग गए हैं वो उनके बेकावे

और बाकायदा उन्होंने गीले कपड़े बांटे हैं बच्चों को और खुद के पास भी गीले कपड़े थे आंसू गैस की गोलों से सुरक्षा के लिए अपने बचाव के लिए तो ये सब मतलब सुनियोजितता प्रदर्शित करता है चीज़ को तो ये चीज़ें आगे आगे आ रही हैं लोगों के सामने और लोग समझते हैं चीज़ को इस देश में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है किसी भी बहुसंख्यक के खिलाफ नहीं है एक भी नागरिक के खिलाफ नहीं है और देश के हित में है ये ये बहुत ही हित में है ये नागरिकता संशोधन बिल है ये लाया जाना चाहिए था बाकी पार्टियां साहस कर नहीं पाई हैं इस पार्टी ने या एन सरकार ने साहस किया है तो मेरे विचार से तो धन्यवाद की बात रही ये सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं उनका ये कहना है कि जो नागरिक नागरिकता संशोधन जो बिल है उसमें किसी तरह के कोई संशय नहीं है और ये आम आदमी के साथ साथ जो बाहर जो देशों के अंदर अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो भारत में आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ शोषित हैं या प्रताड़ित हैं उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा नमस्कार